मुझे आज तक पता नहीं चला कि जब रोटी तोड़कर ही खानी है तो गोल रोटी क्यों बनाए। ध्यान उस पर दो जिससे तुम शादी करके लाए हो, उस पर नहीं जिससे पड़ोसी शादी करके लाया है। और भाभी तो भाभी है ना। जिनके एक से दो बच्चे होते हैं उनका सर चकरा जाता है। समझ में ये नहीं आ रहा है सीमा हैदर के चार बच्चे होने के बाद भी पबजी कैसे खेल लेती थी। बेबी मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास नहीं है। आप ना मुझसे ऐसे बात मत किया करो, मुझे आप पे फिर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा, वैसे जब तुम्हें मुझ पे गुस्सा आता है तो तुम क्या करती हो? मैं जाकर टॉयलेट साफ कर लेती हूँ। इससे गुस्से का क्या मतलब? आपके टूथब्रश से। हाँ जी पड़ोसन, क्या कह रही थी तुम्हें? पहले 2000 रुपए की साड़ी दिलाने का प्रॉमिस करो, फिर बताऊंगी। चलो प्रॉमिस। वो कह रही थी तुम्हारा पति ना बेवकूफ है, तुम जैसा कहती हो ना वैसा ही करता है। पता नहीं ये कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यहाँ मेरा वाला तो सब कुछ है, सास ससुर देवर जेठ ननद सब कुछ, सिवाय बेस्ट फ्रेंड के। बस अब बहुत हो गया, अब मैं मायके जा रही हूँ। ठीक है जाओ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। अब मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ, कोई भी मन्नत मांगो, कैसे भी मन्नत मांगो, मैं वापस नहीं आऊंगी। मन्नत पूरी हो गई इसलिए मंदिर जा रहे हूँ पागल। 3000 रुपए दूध, 900 रुपए बै जय कै खै, 4500 सब्जी, 1100 रुपए भै जय कै खै, 3500 काम वाली, 800 रुपए भै जय कै खै। क्या यो भै जय कै खै, भै जय कै खै खा गया सारे पैसे, चार बार आ गया भै जय कै खै, क्या है यो? भै जय कै खै का मतलब है भगवान जाने कहाँ खर्च हुए। कसम खाओगी कभी शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। मेरे सिवा दूसरी औरत को भी नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे। जुआ नहीं खेलोगे? नहीं खेलेंगे। मेरे लिए जान भी दे दोगे? दे देंगे, ऐसी जान का और करेंगे भी क्या। जब कन्या अपने पिता के घर होती हैं, रानी बनकर रहती हैं, पहली बार ससुराल जाती हैं, लक्ष्मी बन के जाती हैं, और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती हैं। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती हैं, और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के भी इतना परेशान कर देती हैं कि बेचारा वो पति अंग्रेज ना होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू। सुनो जी एक बात बताओ, कल आप पूरी रात कहाँ थे? अरे यार मैं राहुल के घर पर रुक गया था, उसकी बहन की। गाली मत देना। उसकी बहन की। गाली मत देना। अरे उसकी बहन की। कह रही हूँ गाली मत देना। मैं तेरे मुंह पे चपेड़ मारूंगा साड़ी, मुंह बंद कर ले अपना, पहले पूरी बात सुन ले। उसकी बहन की तबीयत खराब थी, घर पे कोई था नहीं, उसने बोला भाई अकेला हूँ मेरे घर पे रुक जा, इस वजह से उसके घर पे रुक गया था। गाली नहीं दे रहा हूँ साड़ी, मुंह बंद कर लिया करो। तुम औरतों की आदत है साला बिना सुने पहले पक 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 बोलने लग जाओगे। भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। खोद के देखो। यार बहुत हो गया, तंग आ गया हूँ मैं, अभी तेरे मेकअप का खर्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो बंद कर दो ना उसे भी। अरे तो फिर तू बर्दाश्त नहीं होगी। बेबी 500 रुपए देना, मैं पार्लर जा रही हूँ। ये लो 5000 रुपए। 5000 क्यों? जैसी तुम्हारी शक्ल है ना 5000 ही लगेंगे। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। भैया आदमी का दिल नहीं समंदर होता है, वो चाहता है कि बहुत सारी मछलियां इसमें आराम से रहें, लेकिन पत्नी सार्क की तरह होती है, वो सब मछलियों को खा जाती है, वो चाहती कि सिर्फ हम ही हम रहे हैं। तो जल्दी चल ले अब। इतनी ना जल्दी जल्दी मत क्या करो, ये जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। इस दुनिया में सबसे अच्छा पालतू जानवर कौन सा है? अरे मुझे क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम ही हो। शहर में आज मेरा एक और दुश्मन बढ़ गया। मैं बचाऊंगी आपको उससे, नाम बताइए उसका। राहुल साड़ी कलेक्शन की दुकान, आज ही खोली उसने, बचाओगी ना?
साड़ी पुरानी हो गई है ये। तुम मेरी मम्मी की तरह खाना नहीं बना सकती, तुम भी मेरे पापा की तरह पैसे नहीं दे सकते। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे और कहा तीनों का जवाब एक ही होना चाहिए, दूध क्यों उफन जाता है, पानी क्यों बह जाता है और सब्जी क्यों जल जाती है। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया? व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। यार मेरा ना आधा माथा दुख रहा है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, जितना है उतना ही तो दुखेगा। हमारे पर्स में 20,000 रुपया हते कहाँ गए? हमारे पर्स में 20,000 रुपया हते, खुशी कहाँ गए बे? कुछ सुनाई नहीं पड़ रही, क्या कह रहे? हमारे पर्स में 20,000 रुपया हते कहाँ गए? कुछ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, तो मैं विश्वास नहीं हो रहा हूँ। इतने आओ तुम, इतने आओ। रात के 3 बजे ऑनलाइन रह के कौन सा बात हो रही थी? का? रात के कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये दौलत शोहरत ऐसो आराम त्याग कर ना संन्यास ले लूं। फिर ख्याल आता है पहले ये सब मिले तो सही। जो लोग बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, अरे लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई, मेरी शराफत देखो जो मैंने आपको बिना देखे शादी कर ली। अरे मेरी शराफत देख तू, मैंने तुझे देख के भी मना नहीं करा। स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई और कमाई ही सरकारी चाहिए। सामने वाले घर में जो नई किरायेदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना, तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। निखिल एक बात बताओ, ये पर्सनल सीक्रेट और टॉप सीक्रेट, इसमें अंतर क्या होता है? देख तुम मुझे पसंद करती हो, ये पर्सनल है। मैं तुम्हारी सहेली को पसंद करता हूँ, ये सीक्रेट है। तुम्हारी सहेली भी मुझे पसंद करती है, ये टॉप सीक्रेट है। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, घर के काम का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, प्यार भरा दिल भी दिया, और फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। मैं तो ना दुखी हो चुकी हूँ, हाथ हाथ में कंगन नहीं, पैर पैर में पायल नहीं। मैं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? जेब में पर्स है लेकिन पर्स में पैसे नहीं। क्या बात है, आज सासू माँ ना कुछ बोल रही है, ना बात कर रही है, ना लड़ रही है। मेरी गलती की वजह से। आपकी गलती की वजह से? हाँ, मम्मी ने मुझसे लिप बाम मांगी और मैंने उनको फेविस्टिक दे दी। बेबी मार्केट तक छोड़ा होगे? यार मैं बहुत थका हूँ, मेरे से नहीं जाया जाएगा। ठीक है फिर हम दोनों ऑटो में ही चले जाएंगे। दोनों? हाँ मैं और मेरी सहेली। मैं चल पड़ता हूँ पर मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा देर वहाँ। मैंने शोहर से कहा सोना सुबह हो गई है उठ जाओ, कहते हैं कि आंख नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि मेरी आंखें खुल जाएं। फिर मैंने कहा कि रात भर जिस अम्मा से बात कर रहे थे वो मेरी ही दूसरी आईडी थी, फिर ऐसे खुल गई आंखें। मैं तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने, 2 साले मेरे 4 मेरी साली है, सब तो बेकार यारो मेरी ही घर वाली है। पता नहीं लोगों को कैसे खूबसूरत पड़ोसन मिल जाती है, मेरे तो एक तरफ मंथरा है तो दूसरी तरफ ताड़का। कल मजाक मजाक में मैंने एक फेक आईडी बनाई और अपने दोस्त की वाइफ से ही चैट करना शुरू किया। चैटिंग के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि मेरे दोस्त की वाइफ के पति को मरे हुए 3 साल हो गए हैं, जबकि वो कमीना उस वक्त मेरे साथ ही बैठकर ठूस रहा था। अब सोच रहा हूं कि अपने दोस्त को सच्चाई बता दूं, फिर सोच रहा हूं कि उसकी वाइफ को अपनी सच्चाई बता दूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा भाई, आप ही कुछ बताओ मैं, मुझे क्या करना चाहिए।
सुनो। हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने, एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। काश हमारी पड़ोसन का नाम दुआ होता और उसका हस्बैंड हमारे घर आता और मुझसे पूछता, भाई क्या हाल है, और मैं उसको बोलता, भाई बस तेरी ही दुआ चाहिए। काश हमारी पड़ोसन का नाम दुआ होता और उसका हस्बैंड हमारे घर आता और मुझसे पूछता, भाई क्या हाल है, और मैं उसको बोलता, भाई बस तेरी ही दुआ चाहिए। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे, और जब बड़े हो गए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। तुम्हें को एक ऐसी बात बोलो जो सुनते मैं खुश हो जाना, और एक ऐसी बात बोलो जो मैं सुनते गुस्सा हो जाना। एक, तुम मेरी जिंदगी है। दूसरी, लानत है ऐसी जिंदगी पे। अरे शादी में औरतें एक दूसरे के कपड़े देख के जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देख के जलते हैं। लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती, पर आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति से नहीं बताया। पत्नी घर का चिराग होती है, सोचो एक घर में दो चिराग हो तो कितनी रोशनी होगी। बताओ तुम्हारा नाम, हाथ पर लिखूं या दिल पे? जब प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिखो ना। स्टार प्लस देख देख कर होशियार हो गई हो? यार मुझे एक बीमारी हो गई है, मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। खैर छोड़ो, पाँव में छाले क्यों पड़ते हैं, ज्यादा चलने से ना? हाँ। तुम्हारे मुंह में नहीं पड़े? नहीं, क्यों? वो भी ज्यादा चलता है ना। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। जब मैं पैदा हुआ था ना तब मेरे माँ बाप भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था। ओके, मैं नहीं परवाह करता किसी की। 7 साल हो गए हमारी शादी को, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी। बात कुछ समझ न पाई का हमने तुम अपने आप को समझत का हो, तुम्हारी घरवारी। प्यार की एक कहानी। कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को दाना देने। अरे तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई है। हाँ? नीचे आ जाओ। कल एक बस में एक भौजी पूछ रही है, काहे कहाँ के आओ? हमने हमारा ब्याह होगा, अब हम कहूँ के नहीं रहे। सुहेल तुझे पता है मेरी हर सांस पे ना लौंडे मरते हैं। अरे तो कोलगेट किया करना। अरे सुनो। हाँ? मैं डॉक्टर से पता कराया, ये जहाँ जहाँ के भी बाल मेरे उड़ गए हैं ना, ये सारे लग जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएगा। और 2 लाख रुपए खर्चा बताया उन्होंने। 2 लाख? हाँ। 2 लाख ही मेरे लिए ज्वेलरी बनवा देना, मैं खुशी खुशी गंजे के साथ भी रह लूंगी।